क्योंकि 1.5 महीना हो गया, मिले भी नहीं है, विश्वास तो कर रहे, मीटिंग में तो आ रहे, पर प्रॉब्लम का हल नहीं हो रहा, छुटकारा नहीं मिल रहा, समझ रहे हो क्या हो? मन में सोचा कि आज जान तो ले हैंड करानी है इस बच्चे की, या फिर उनसे मिलकर ये बात करके आनी है कि ये क्यों नहीं प्रॉब्लम जाए, हम तो 1.5 महीने से विश्वास से आ रहे, हर संडे वचन भी सुनते हैं, मास प्रेम को भी रिसीव कर रहे हैं, पर हो नहीं। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा, क्या गवाही है आपकी? पापा जी, मेरे बच्चे नू 1.5 महीने तो मतलब जो भी दूध पींदा ही पचदा नहीं, जेद बड़ी करदा हुंदा ही। 1.5 महीने से दूध पीना ते नू पचना नहीं, जो भी इन्हें पीना पहला ते जेद करी जानी, जे पीना फिर इन्हें पोटियां लग जांदियां सी। जे पीता और इसे पोटियां लग जांदियां, पचता नहीं था। हां जी। फिर इसके लिए आपने क्या किया? विश्वास ही किया ही, हर संडे उन्हें ही, पर गल नहीं ही कीती जांदी, टाइम नहीं लगता, तो फिर आपां जे ज्यादा जरूरत पवे, ज्यादा पोटियां लग जान, फिर मेडिसिन दिने ही, नहीं तो परमेश्वर ते विश्वास। जब ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी तो 1.5 महीने के बीच बीच आपने मेडिसिन भी इसी दी। हाँ जी। और 1.5 महीना तक ये ऐसे चल रहा था, आप विश्वास से आ रहे थे, मेरे से बात भी नहीं हुई, हर मीटिंग में विश्वास से आ रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, पर तब भी प्रॉब्लम थी। हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर पापा जी इस संडे मैं घरों इन्हें नु कह के आई ही कि जाते पापा जी को ले हैंड करवानी, जा वैसे ही पापा जी नु कह के होना। अब ये पॉइंट पकड़ो ध्यान से, अगर आप आत्मिक को कितने मेरी बात समझ रहे हैं, कहते मैं घर से ही आज बोलकर आई थी, जा तो पापा जी से ले हैंड करवानी है, जहां मैंने बात करनी है। कितने मेरी बात समझे, जहां तो आज क्योंकि 1.5 महीना हो गया, मिले भी नहीं है, विश्वास तो कर रहे, मीटिंग में तो आ रहे, पर प्रॉब्लम का हल नहीं हो रहा, छुटकारा नहीं मिल रहा, समझ रहे हो क्या हुआ? मन में सोचा कि आज जा तो ले हैंड करानी है इस बच्चे की, जा फिर उनसे मिलकर ये बात करके आनी है कि ये क्यों नहीं प्रॉब्लम जाए, हम तो 1.5 महीने से विश्वास से आ रहे, हर संडे वचन भी सुनते हैं, मास प्रेयर को भी रिसीव कर रहे हैं, पर हो नहीं रहा। खुदा आपके दिल की मन की बातों को वो जानता है। क्या करता है बोलो? वो जानता है। चलो पहले इनके मन की बात को देखें, जो इनके मन के अंदर था कि आज मिलना है, ले हैंड करवानी है। बोलो क्या करानी है? ले हैंड करवानी, जब बात करनी है। इस संडे मैंने क्या कहा था, जब मैं मास प्रेयर कर रहा था, खुदा का रूह मुझे कह रहा है आगो आजो, बस आपको टच चाहिए और क्या हो जाएगा। जब सब आगे आई, ये भी आगे आई, पहले हम उस वीडियो क्लिप को देखते हैं। हाँ, दिखाऊं उस वीडियो क्लिप को? बच्चे दूध पीते हैं छोटे, उनकी जो भी प्रॉब्लम है राइट नाउ, इसके अगर कोई और भी है, वहां से ये समस्या जा चुकी है। मैंने कहा आप बोलकर बताना चाहते हो बता सकते हो, पर ये फ्री है राइट नाउ। आज से जो भी ये दूध पिए, इसकी बॉडी में इसे पचे और किसी भी प्रकार की इसे रुकावट ना आए राइट नाउ, द नेम ऑफ जीसस। खुदा इसकी जो दूध की प्रॉब्लम है इस बच्चे की राइट नाउ ये जा चुकी है, तो बोलो ये इसकी प्रॉब्लम है। बोलो क्या है? और इसके बच्चे के लिए क्या हुई उस दिन? ले हैंड हुई ना भी। बोलो क्या हुई इसके बच्चे के लिए? ले हैंड हुई, और जैसे ही हुई फिर क्या हुआ? माइक दो अभी फिर से। पापा जी उस दिन जितना पसंदे आए इतनी भी ने बार बार पोटियां कीतियां ही 4-5 बारी, जो तुम ले हैंड कीती उस तो बाद ने दूजे तीजे दिन घर जाके पोटी कीती है, बिल्कुल ठीक हो गया उस दिन। आराबा आदमी को तो ये तारीफ छोटी नहीं होनी चाहिए। सुनो, उसी दिन
आए तब भी उस दिन भी पोटियां कर रहा था जिस दिन आए, पर जैसे ले हैंड हुई, जैसे खुदा ने वो वचन स्वर्ग से दिया कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिन लोगों के बच्चे, जिन बहनों के बच्चे दूध पीते हैं आज खुदाबंद उन्हें क्या करने वाला है, तो ये बताने वाले थे। अभी सुना ना, ये बताने वाले थे कि आज मैंने पापा जी से बात करनी है, जहां तो ले हैंड करवानी है, तो जहां ले हैंड करवानी है, जब मिलेंगे आज मिलकर बात करेंगे, हम डेढ़ महीना हो गया ये क्यों नहीं जा रहे, मेडिसिन भी दे रहे हैं हम, शास से आ भी रहे हैं, फिर भी क्या नहीं हो रहा। आपके मन की गूढ़ बातों को किसका आत्मा जानता है, किसका आत्मा जानता है। और उसी दिन से आज संडे है, पूरे 8 दिन हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दूध पच रहे हैं, हाँ जी, अच्छे से पच रहे हैं, हाँ जी, बिल्कुल ठीक उस दिन तो। उस दिन से जो दिन में जब भी दूध पीता था कितनी पोटियां कर देता था, 4-5 तक दिन पर। आपको पता, कई बार सुनने में ये चीजें नॉर्मल लगती हैं, क्या लगती हैं, नॉर्मल लगती हैं, इसी चीज से प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। जब बच्चे को कुछ पचेगा नहीं, क्योंकि छोटा बच्चा, अब ये इतना बच्चा कितने साल का, कितने समय का, ये 3 महीने का बच्चा, अब रोटी तो खाएगा नहीं, इसकी खुराक तो सिर्फ दूध ही है, या तो बोतल से पिला देंगे या अपना पिलाएगी, दूध ही है ना इसकी। अब उसको दूध भी पचे ना तो कल को ये बच्चा कमजोर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। पर वो कौन है, बोलो कौन है वो, वो क्या कर सकता है, जो काम डॉक्टर से नहीं होता वो किससे होता है, किससे होता है, कि वो कौन है, तारीफ करो, अनोखे काम करी दाए, उस राजाओं के राजा की, दोनों हाथों को उठाकर, यहोवा अनोखे काम करी दाए, करी दाए यहोवा, जेड़ा उठते ही मान करे ओ, मर के भी ना मरी दाए, जेड़ा उठते ही मान करे ओ, मर के भी ना मरी दाए, अनोखे काम करी दाए, शास करते हैं। जिन बहनों के औरों के भी बच्चे जितने भी दूध पिलाते थी, उनने भी इस वर्ड को रिसीव किया, अगर अगर उनके बच्चे को दूध नहीं पचता था, कोई और कोई है था कि ठीक था, बाकी किसी और की तो गवाही नहीं है ना, समझ आ रही मेरी, कौन है हमारे साथ, बोलो अपने पड़ोसी को, विश्वास में बना रहे, वो तेरे मन की बातों को जानता और वो तेरे लिए अभी करने के लिए तैयार है। आमीन।